Hello students, welcome to getlectures.com. Now, the second lecture of strength of material will start now. In this lecture, we will cover the example of design. जो कि last lecture में जो चीजें हमने देखी थी, strength criterion और rigidity criterion, उनका use कैसे हम करेंगे? एक example भी हम देखेंगे कि कैसे हम डिजाइन करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रेंथ क्राइटेरियन एंड बाय यूजिंग रिजिडिटी क्राइटेरियन. दोनों क्राइटेरियन से कैसे किसी कंपोनेंट को हम डिजाइन करेंगे और फिर हम देखेंगे कुछ एजम्पशंस देखेंगे जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें एज्यूम करनी पड़ती हैं, वो सारे एजम्पशंस देखेंगे और फिर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कवर करेंगे इस टॉपिक में. ओके, नाउ लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल of how to use the strength criterion and rigidity criterion for the design of a component. ठीक है, अगर suppose कर लो कोई component है, length L है और उसका cross section circular है. अभी देखेंगे step wise देखेंगे कि कैसे हमें use करना है. ठीक है, कि कोई भी material given है, material का ultimate tensile strength कितना है, 400 MPa, yield strength कितना है, 200 MPa, Young's modulus कितना given है, 150 GPa. फैक्टर ऑफ सेफ्टी n इज व्हाट, दिस इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड डेल परमिसिबल, दिस इज द परमिसिबल डिफॉर्मेशन. जो कंडीशन है उसमें परमिसिबल डिफॉर्मेशन भी गिवन है 4 mm. हमें डिजाइन करना है, कैसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्या चीजें करेंगे हम. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेप वाइज कैसे हम डिजाइन करेंगे बाई यूजिंग स्ट्रेंथ क्राइटेरियन एंड रिजिडिटी क्राइटेरियन. स्टेप वन, हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, डिटरमिनेशन ऑफ टाइप ऑफ लोड ऑन द कंपोनेंट. अब अगर आप इस डिजाइन की बात आप करते हैं, हमें कंपोनेंट को डिजाइन करना है तो जो कंपोनेंट हमें डिजाइन करना है उस पर किस तरह का लोड लग रहा है. अब सपोज कर लीजिए इस कंपोनेंट को डिजाइन करना है तो इस पर लोड कैसा है, दिस इज पी लोड, दिस इज एक्सियल लोड, एक्सियल टेंसाइल लोड हमने डिटरमाइन किया. अभी लोड्स को भी हम लोग देखेंगे बट यहां पर देखते हैं कि दिस पी लोड इज एक्सियल टेंसाइल लोड. ओके, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, लोड को डिटरमाइन करना है कि कंपोनेंट पर कैसा लोड लग रहा है. ओके, देन सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप टू में हम करते हैं सेलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट शेप फॉर द क्रॉस सेक्शन of the component. Now let us see, हमें जो component design करना है, L length का component design करना है, तो उसका अब second step में हमें क्या करना है, selection of appropriate shape for the cross section of the component. जो cross section हमें select करना है, एक cross section हम select करेंगे, फिर अपनी analysis start करेंगे, because cross section is very important for any analysis. Suppose कर लीजिए, अगर आपको stress find out करना है, तो load लग रहा है, P upon A is stress, तो area of the cross section आपको पता होना चाहिए, तो second step में हमें क्या करना है, selection of the appropriate shape for the cross section of the given component. ओके, तो हमने यहाँ पर जैसे suppose कर लिया, हमने cross section कैसा select कर लिया, circular cross section, कैसा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, आर्बिट्रेरली हमने सेलेक्ट किया, दिस इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ओके. अब अगर हमने सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन चूज किया तो उसकी प्रॉपर्टीज जो कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्फेसेस, जैसे एरिया कितना होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर. मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्सिया इज इक्वल टू पाई डी फोर अपन 64. ओके,
Then section modulus about neutral axis is equal to I upon y max, y distance from the neutral axis up to top fiber, top और bottom fiber का maximum distance होता है, यानी d by 2, देखेंगे ये सारी चीजें y max और ये सारी चीजें clear होती जाएंगी जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, but यहाँ पर strength criterion और rigidity criterion का हम use देख रहे हैं, okay? ZNA, this is equal to pi by 64 into d to the power 4 into 2 by d. 1d cancel, 232. This is equal to pi d cube upon 32. This is ZNA. These are the properties of the cross section. तो हमने सबसे पहला स्टेप किया, लोड को हमने सेलेक्ट किया, लोड को डिटरमाइन किया कि किस तरह का लोड लग रहा है. देन आफ्टर हमने एक एप्रोप्रिएट शेप लिया क्रॉस सेक्शन का. उसके बाद क्रॉस सेक्शन के बाद हमने क्या की, उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए. प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेसेस, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया, देन सेक्शन मॉडुलस, ये सारी चीजें हमने लिख ली जो हम देखेंगे आगे. एक सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया आप सबको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया पता है, सेक्शन मॉडुलस पता है. देन आफ्टर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, अब यहां पर अगर आप एक चीज और देखो, अगर ट्विस्टिंग होता कुछ होता तो इसके लिए और आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज में, और आप इंक्लूड कर सकते हो एरिया के बाद एरिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया, सेक्शन मॉडुलस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी होता है प्रॉपर्टीज में ही, एक आता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होता है सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, कितना होता है पाई डी फोर अपन 32. देन जेडपी, पोलर सेक्शन मॉडुलस इज हाउ मच, पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब. ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्फेसेस. नेक्स्ट वन इज द थर्ड स्टेप थ्री. स्टेप थ्री में हम क्या करते हैं, सेलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मटेरियल. अब हम क्या करते हैं थर्ड स्टेप में, मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे. मतलब मटेरियल को सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, हमारे पास अगर मटेरियल है तो इससे हमें क्या पता चल जाएगी, प्रॉपर्टीज आर नॉन. हमने मटेरियल सेलेक्ट किया तो मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई. नेक्स्ट वन इज स्टेप फोर में हम क्या करते हैं, दिस इज द डिजाइन प्रोसीजर. किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करना है तो स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं, और सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फॉर डिजाइन ऑफ एनी कंपोनेंट. ओके, कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन. स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशंस. अब डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ क्राइटेरियन एंड सेकेंड वन इज रिजिडिटी क्राइटेरियन. तो सबसे पहले हम देखते हैं ए, स्ट्रेंथ क्राइटेरियन. स्ट्रेंथ क्राइटेरियन में अगर आप देखो तो सेफ कंडीशन फॉर डिजाइन क्या हो सकता है, अगर आप देखो जो आपने कंपोनेंट जो डिजाइन करना है, इस कंपोनेंट को डिजाइन करना है, आपने सबसे पहले क्या किया, डिटरमाइन किया लोड को, डिटरमाइन किया कि किस तरह का लोड लग रहा है. तो लोड को डिटरमाइन करने से हमें क्या पता चलेगा कि इसमें स्ट्रेस कितनी इंड्यूस हो रही है, मतलब कि लोड के कारण कितना स्ट्रेस वहां इंड्यूस हो रहा है. देन अब स्ट्रेस के लिए आपने स्टेप टू में क्या किया, अगर आप प्रॉपर शेप, अगर एक एप्रोप्रिएट शेप अगर सेलेक्ट नहीं करते हो क्रॉस सेक्शन का, तो आप स्ट्रेस को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. बिकॉज स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपन एरिया,
आगे सारी चीजें देखेंगे, बस यहां पर आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं कि स्ट्रेंथ क्राइटेरियन और रिजिडिटी क्राइटेरियन को कैसे यूज करना है। तो यहां पर हमने देखा पी लोड को हमने किया, दिस इज एक्सियल टेंसाइल लोड, हमने क्रॉस सेक्शन को, क्रॉस सेक्शन के शेप को हमने सेलेक्ट किया, दिस इज सर्कुलर। सर्कुलर सेलेक्ट करने के बाद अब हम उसकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली, फिर मटेरियल सेलेक्ट किया, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन में, स्ट्रेंथ क्राइटेरियन में सेफ डिजाइन की बात करते हैं। तो सेफ डिजाइन में क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस। दिस इज द सेफ डिजाइन कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन, कि कितना स्ट्रेस उसमें इंड्यूस हो रहा है गिवन कंडीशन में, जो लोड लगा हुआ है उस लोड के कारण हमारे शेप पर कितना ज्यादा कंपोनेंट पर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है और उसका परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, उसका लिमिट कितना है। तो ऑलवेज इंड्यूस्ड स्ट्रेस अगर लेस देन इक्वल टू परमिसिबल होगी तो अपना फेलियर का कंडीशन नहीं होगा। मतलब कि सेफ डिजाइन कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इज लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इसको कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है इसको कैसे निकालेंगे और परमिसिबल स्ट्रेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है ये हम निकालते हैं बाई यूजिंग सोम इक्वेशन एंड परमिसिबल स्ट्रेस को फाइंड करते हैं बाई यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब बात आती है व्हाट इज सोम इक्वेशन। सोम इक्वेशन जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी कि आप देखेंगे कि एक्सियल स्ट्रेस, सोम इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, यहां पर सोम इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो सिग्मा ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपन ए, देन दिस इज एक्सियल स्ट्रेस लोड अपन एरिया, सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपन जेड एन ए, टाउ एस इज इक्वल टू टी अपन जेड पी, ओके, सिग्मा और टाउ मैक्स, ये दोनों चीजें देख सकते हैं, एक्सियल एंड सियर स्ट्रेस, ये सारी चीजें हम देखेंगे। बस यहां पर एक जनरल कंसेप्ट में देना चाहता हूं जिसमें कि एक्सियल स्ट्रेस आप देख रहे हो कि यहां पर लोडिंग कंडीशन कैसा था, अपने कंपोनेंट में लोडिंग कंडीशन था एक्सियल, दैट्स व्हाई इंड्यूस स्ट्रेस क्या होगा, पी अपन ए से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि स्ट्रेस कितनी इंड्यूस्ड हो रही है। अगर यही बेंडिंग का कंडीशन होता तो बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए मूवमेंट की वैल्यू और सेक्शन मॉडुलस की अबाउट न्यूट्रल एक्सिस हमें फाइंड आउट करना पड़ता, तो उससे हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते थे कि इसमें बेंडिंग स्ट्रेस कितना मैक्सिमम इंड्यूस्ड हो रहा है। अगर वो प्योर टॉर्सन में होता तो हम टी अपन जेड पी से देख सकते थे। जब हम फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बेंडिंग इक्वेशन प्योर बेंडिंग मोमेंट में हम निकालते हैं, प्योर बेंडिंग कंडीशन में हम बेंडिंग इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं और प्योर ट्विस्टिंग कंडीशन में टॉर्सन इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ओके। अब इसमें हमें यह देखना है कि एक्सियल स्ट्रेस और सियर स्ट्रेस जो मैक्सिमम हो, अगर सियर के कंडीशन में तो सियर स्ट्रेस के मैक्सिमम कंडीशन पर परमिसिबल स्ट्रेस के लेस देन इक्वल होना चाहिए, और अगर एक्सियल स्ट्रेस डेवलप हो रही है, नॉर्मल स्ट्रेस अगर डेवलप हो रही है तो वो मैक्सिमम जो होगी वो लेस देन इक्वल टू परमिसिबल होनी चाहिए, तभी आपका सेफ कंडीशन होता है, ओके। अगर अब आप देखो नेक्स्ट कंडीशन इसी में कि अपना कंडीशन क्या है, एक्सियल लोडिंग का कंडीशन है, तो सिग्मा ए यानी कि सिग्मा ए इज इक्वल टू पी अपन ए इज लेस देन इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, दिस इज इंड्यूस्ड स्ट्रेस मैक्सिमम इंड्यूस्ड, बिकॉज कि आपका कंडीशन कैसा है, कुछ इस तरह से आपका कंपोनेंट है, कंपोनेंट पर लोड लग रहा है, दिस इज पी लोड, तो दिस इज एक्सियल। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग लोड की एनालिसिस करेंगे तो वहां पर सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, कौन सा लोड कैसा होता है, कैसे उसको हमें विजुअलाइज करना है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर अपना कंडीशन ऐसा था, तो यहां पर आपका एक्सियल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दिस इज पी अपन ए, जो एरिया क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हमने सेलेक्ट किया है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन।
अब देखते हैं परमिसिबल स्ट्रेस की बात करते हैं। इंड्यूस्ड स्ट्रेस की तो हमने बात कर ली, परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में हमने क्या चीजें देखी थी। परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बाय यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी मींस व्हाट? द परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू फेलियर स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फेलियर स्ट्रेस की बात करते हैं, जब हम स्ट्रेंथ क्राइटेरियन की बात कर रहे हैं तो अपना फेलियर स्ट्रेस क्या क्या हो सकता है, आइदर SYT और SUT। इट डिपेंड्स अपन द गिवन कंडीशन। कंडीशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फेलियर स्ट्रेस हमें क्या लेना है, वो भी आगे देखेंगे। जैसे SYT या SUT में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, अगर जहां पर डिफॉर्मेशन अलाउबल नहीं है वहां पर यील्ड स्ट्रेंथ, और जनरली जनरल कंडीशंस में, मैक्सिमम कंडीशंस में हम यील्ड स्ट्रेंथ को लेके चलते हैं, लेकिन आप किसी को भी ले सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन द गिवन कंडीशन। हम लोग कंडीशन, डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट थिंग्स देखेंगे हम लोग, और उसमें हम डिफरेंट फेलियर स्ट्रेसेस यूज करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, मैं यील्ड स्ट्रेंथ लेकर के चलता हूं फेलियर स्ट्रेस को, तो अपना क्या हो जाएगा, पी अपन ए इज लेस देन इक्वल टू फॉर सेफ डिजाइन कंडीशन फेलियर स्ट्रेस SYT अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दिस इज डिनोटेड बाई N। अब अगर यहां पर देखा जाए तो लोड हमने डिटरमाइन कर लिया है, पी एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, बिकॉज हमने सेलेक्ट क्या किया है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किया है, देन पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू SYT अपन गिवन कंडीशन में। अगर आप देखो तो हमने एन की वैल्यू कितनी दी है, 2, देन यहां से क्या हो जाएगा, 4p अपन पाई डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू SYT अपन 2। अगर आप देखो, आपने जब मटेरियल सेलेक्ट किया, मटेरियल सेलेक्ट करते ही आपके पास SYT और SUT आपको पता है, SYT और SUT पता है। अगर आप स्टार्टिंग में देखो तो गिवन मटेरियल के जो प्रॉपर्टीज हैं मैंने नोट डाउन किया था, और इस प्रॉपर्टीज को हम कहां से फाइंड आउट करते हैं, जब हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं। तो SYT की वैल्यू कितनी है, 200 MPa। ओके, 200 MPa। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन यानी कि डायमीटर को फाइंड आउट आप कर सकते हैं। आपके पास कंडीशन में लोड भी गिवन होगी, लोड की वैल्यू भी गिवन होगी, पाई कॉन्स्टेंट है, डायमेंशन डायमीटर डी आपको फाइंड आउट करना है, SYT गिवेन है, N गिवेन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम मान के चलते हैं कि यहां से जब हमने कैलकुलेट किया, आफ्टर कैलकुलेशन सपोज कर लेते हैं कोई भी वैल्यू होगी P की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लिया कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से क्या बन जाएगा, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 4 PN अपन पाई SYT। यहां से जब हमने कैलकुलेट किया तो D इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने मान लिया 45.2 mm, कोई एक आर्बिट्रेरी वैल्यू मैंने ले लिया 45.2 mm। तो इस तरह से हम स्ट्रेंथ क्राइटेरियन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन बी पोर्शन में अब हम देखेंगे रिजिडिटी क्राइटेरियन। अब हम डायमेंशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग रिजिडिटी क्राइटेरियन। रिजिडिटी क्राइटेरियन में क्या होता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इंड्यूस्ड इज लेस देन इक्वल टू परमिसिबल डिफॉर्मेशन। नाउ देखते हैं कुछ कंडीशंस कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जो इंड्यूस्ड हो रही है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिस इज फाइंड आउट बाय यूजिंग स्वॉन्ग इक्वेशन। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जो इंड्यूस्ड हो रही है उसको फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सोम इक्वेशन। एंड परमिसिबल डिफॉर्मेशन आपकी गिवन होगी,
गिवेन है इस कंडीशन में, जैसे डेल परमिसिबल आपका 5 mm गिवेन है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या एक एग्जांपल हमने लिया है और उसमें आपकी गिवेन होगी कि परमिसिबल डिफॉर्मेशन कितनी है और आपको डिजाइन करना है बाय यूजिंग रिजिडिटी क्राइटेरियन। अब देखते हैं कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जो इंड्यूस्ड हो रही है हर एक कंडीशन में कितनी होनी चाहिए। अगर आप कंडीशन की बात करो, अगर आपका कंडीशन है ये, जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट आगे बढ़ता जाएगा आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, बस चीजों को आपको प्रॉपर वे में देखना है। अगर कंडीशन ये रहा, एक्सियल लोडिंग अगर कंडीशन है तो डेल इज इक्वल टू क्या होता है, पीएल ओवर ए। अगर आपका कंडीशन ट्विस्टिंग का अगर कंडीशन रहा, दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग के कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू पाई अपन जीजे। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे देखते जाएंगे, अगर सपोज कर लो कोई, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, द सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम इज, दिस इज पी लोड, सिमेट्रिकल कंडीशन बीच में लग रहा है, तो यहां पर आपका जो डिफ्लेक्शन होता है वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यू अपन 48 EI, दिस इज द डिफ्लेक्शन। अगर कंडीशन आपका कैंटिलीवर बीम का अगर आ गया, सम एग्जांपल्स मैं एग्जांपल्स लेते जा रहा हूं, दिस इज लोड पी, सॉरी ठीक है, दिस इज पी पी एल क्यू, यहां पर पी लोड हमने लगाया और एल, एल इज व्हाट, एल इज द लेंथ ऑफ द बीम, L is the length of the beam. Here the L is the length of the component. Here also the length of component is L. Here the beam length is L. यहां पर कितना होता है, Y is equal to PL cube upon 3EI. तो इस तरह से अगर given conditions है तो हम सोम इक्वेशन का यूज करके ये सब चीजें अभी आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस बेसिक्स में ही देखते जाएंगे और चीजों को कवर अप करते जाएंगे तो वहां पर आपको क्लियर होते जाएगा कि किस कंडीशन में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, सोम इक्वेशन का यूज करके हम डिफॉर्मेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, यहां पर अपना कंडीशन कौन सा है, पहला कंडीशन है अपना, कंडीशन है ये, कंडीशन है अपना पीएल ओवर ए, दिस कंडीशन अभी हम लोग सिंपल देख रहे हैं, तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इंड्यूस्ड कितना होगा, पी एल ओवर ए, ए पी क्या है, गिवन लोड है, लोडिंग कंडीशन में हमें लोड पता होगा, एल इज द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ई इज द मटेरियल प्रॉपर्टी यंग्स मॉडुलस, दिस इज लेस देन इक्वल टू परमिसिबल डिफॉर्मेशन, परमिसिबल डिफॉर्मेशन डेल परमिसिबल। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, पी एल ओवर ए, PL over AE is less than equal to 5, okay, 5 mm जो अपना given condition है कि इसका permissible deformation कितना है, 5 mm मान के हम चलते हैं, okay, अगर आप देखो 5 ये तो given है और del permissible, अभी लिखते हैं पहले formula को generate कर लेते हैं, यहां से क्या हो जाएगा अपना, हमें क्या find out करना है, D find out करना है, तो 4PL upon फोर पी एल अपन पाई डी स्क्वायर ई इज लेस देन इक्वल टू डेल परमिसिबल, देन फ्रॉम हियर डी इज, डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर पी एल अपन पाई ई इंटू डेल परमिसिबल, देन डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर पी एल अपन पाई ई डेल परमिसिबल, दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ डायमीटर। हमने डायमीटर अब यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, कंडीशन में हमें लोड भी पता होगा, लेंथ भी पता है, पाई इज कांस्टेंट, ई भी पता है, मटेरियल को जो हमने सेलेक्ट किया तो मटेरियल की प्रॉपर्टी हमें पता है और डेल परमिसिबल भी गिवन है, तो यहां से अगर सपोज कर लेते हैं कोई एक आफ्टर कैलकुलेशन कोई भी वैल्यू गिवन है, हमने मान लिया कि डेल नॉट डेल, हमने माना
यहाँ पर d की वैल्यू आ गई, एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेते हैं, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 51.2 mm. सपोज कर लिया, दिस इज आफ्टर कैलकुलेशन, जो गिवन कंडीशंस होंगी उसमें लोड की भी वैल्यू गिवन होगी, आपके मटेरियल प्रॉपर्टीज डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगा, तो उस हिसाब से एक हमने आर्बिट्रेरी वैल्यू ऐसे मान लिया d इज इक्वल टू 51.2 mm, तो सेफ डाया कितना होगा? सेफ डाया, अगर आपने देखा जब आपने स्ट्रेंथ क्राइटेरियन से किया कैलकुलेशन, सपोज कर लिया कि स्ट्रेंथ क्राइटेरियन से आपका कितना वैल्यू आया 45.2 mm, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45.2 बाई स्ट्रेंथ क्राइटेरियन, अगर मैं 45.2 या उससे बड़ा, थोड़ा सा ही मान लेते 46-47 mm, अगर डाया का अगर हम बनाते हैं, कोई भी कंपोनेंट डिजाइन करते हैं जिसमें कि परमिसिबल डिफॉर्मेशन कितना है, डेल है, और जब हमने देखा कि यहां पर जब हमने रिजिडिटी क्राइटेरियन के थ्रू देख रहे हैं तो यहां पर डी की वैल्यू कितनी आ रही है 51.2, तो आपका सेफ डाया कौन सा होगा जो मैक्सिमम होगा, मतलब कि अगर आप यहां पर वैल्यू आप देखो तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर जो वैल्यू आ रही है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 51.2, और बाई रिजिडिटी क्राइटेरियन कितनी आई थी, बाई स्ट्रेंथ क्राइटेरियन वैल्यू कितनी है, d is greater than equal to 45.2 mm से बड़ा लेते हो या उतना लेते हो तो आपका रिजिडिटी मतलब स्ट्रेस में फेलियर नहीं होगा, बट स्ट्रेन में फेलियर को रोकने के लिए आपके पास अगर परमिसिबल डिफॉर्मेशन गिवन है 5 mm, इस एग्जांपल में मैं लेकर के चल रहा हूं, तो अगर गिवन है तो आपका डायमीटर कितना होना चाहिए, 51.2 से बड़ा या उतना होना चाहिए, तो आपका सेफ डायमीटर कितना जाएगा, 51.2 मिनिमम 51.2 mm, अगर आप देखो तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है 51.2 और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करे वही आपका सेफ डाया होगा, आप यहां पर यह भी लिख सकते हो 51.2 और 52 mm, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, द सेफ डाया इज ओके. नाउ फिफ्थ स्टेप, स्टेप फाइव में, अब हम स्टेप फाइव में क्या करेंगे, सेलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, एंड स्टेप सिक्स हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ड्रॉइंग. ओके, दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ, मे बी आई होप आपको समझ में चीजें आ गई होंगी कि हाउ टू यूज द स्ट्रेंथ क्राइटेरियन एंड रिजिडिटी क्राइटेरियन फॉर डिजाइन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑन द गिवन लोडिंग कंडीशंस. अभी सिंपल हमें बस यूज करना सीखना है कि स्ट्रेंथ क्राइटेरियन और रिजिडिटी क्राइटेरियन को कैसे हमें यूज करना है. जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आगे बढ़ता जाएगा चीजें ओपन होती जाएंगी और चीजें क्लियर होती जाएंगी कि गिवन कंडीशन, अगर डिफरेंट क्रिटिकल कंडीशंस भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी आ सकते हैं, कंबाइंड लोडिंग का भी कंडीशन आएगा, तो उस कंडीशंस में कैसे डिजाइन करना है. जैसे जब आप मशीन डिजाइन पढ़ते हो तो मशीन डिजाइन में हर एक चीज, कोई ये नहीं है कि आपके सामने सिंपल केवल एक एक्सियल लोडिंग कंडीशन दे देगा और उसमें डिजाइन करने को बोलेगा. यह एक हमने आइडियल कंडीशन लिया कि कैसे यूज करना है स्ट्रेंथ क्राइटेरियन और रिजिडिटी क्राइटेरियन को. ओके, तो दिस टॉपिक इज ओवर, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी क्राइटेरियन.